हेलो एंड वेलकम टू इंडियन यम, दिस इज योर शिल्पा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और इजी एंड क्विक समर डिजर्ट, एंड दैट इज मैंगो मूस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंगो मूस बनाने के लिए मैंने एक आम को रफली चॉप करके इस ब्लेंडिंग जार में निकाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे और इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो हमने ये फाइन पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। अब हम एक स्ट्रेनर से इसे छान लेंगे जिससे इसके अंदर जो भी फाइबर्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने एक बड़े से स्ट्रेनर का यूज़ किया है। और हमें पल्प को इस तरह से स्ट्रेन कर लेना है। तो देखिए इस पेस्ट में जितने भी फाइबर्स थे वो सब सेपरेट हो गए हैं और ये स्मूथ पेस्ट हमने इस बाउल में निकाल लिया है। नेक्स्ट एक बाउल में मैं 1 कप हैवी क्रीम ले रही हूँ। और अब इस क्रीम को हमें सॉफ्ट पीक आने तक व्हिप करना है। अगर आपको स्वीट थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ क्रीम में भी थोड़ा सा शुगर ऐड कर सकते हैं। तो क्रीम हमने व्हिप करके रेडी कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब हम इस मैंगो पल्प में क्रीम को ऐड कर देंगे। तो पहले मैंने यहाँ आधा क्रीम ऐड किया है और इसे इस तरह से धीरे धीरे फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बाकी की क्रीम भी ऐड कर देंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मैंगो मूस बन के रेडी हो गया है। इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद इसे हम ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। मैंने यहाँ एक पाइपिंग बैग का यूज़ किया है और इसे मैंगो मूस से इस तरह से फिल कर देंगे। तो देखिए हमने एक कोन बना के रेडी कर लिया है। अब एक सर्विंग ग्लास में हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा मैंगो पल्प ऐड कर रही हूँ। मैंने एक टूथपिक की हेल्प से इस पे इस तरह का एक पैटर्न बना दिया है। और अब मैं इसे मिंट लीव्स के साथ गार्निश कर रही हूँ। हमारा चिल्ड यमी एंड मेल्ट इन माउथ मैंगो मूस बन के रेडी हो गया है। And it is really very easy to make. So do try this recipe and let me know how it turned out. And if you like this recipe, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel. Thanks for watching.